देवास में लोकायुक्त टीम ने सिविल लाइन सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए बुधवार रात गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि एक मामले को लेकर सहायक उप निरीक्षक ने फरियादी से राजीनामे को लेकर 5,000 रुपये रिश्वत मांगी थी, जिसको लेकर फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त को की, जिस पर टीम ने कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाने पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक प्रकाश राजौरिया एक महिला की गुमशुदगी के मामले में विवेचना कर रहे थे, जिसकी रिपोर्ट महिला के भाई अनिल ने 4 मई को की थी। इसके बाद महिला 9 मई को लोहारी स्थित रवि प्रजापति के यहाँ मिल गई थी। बताया जाता है कि महिला द्वारा रवि प्रजापति से प्रेम विवाह कर लिया गया था। कुछ दिनों बाद महिला फिर से रवि के पास आ गई थी, जिसे लेने उसका भाई व अन्य लोग पहुंचे और विवाह कर ले गए थे। इस मामले में रवि प्रजापति द्वारा महिला के भाई अनिल के खिलाफ गुमशुदगी से जुड़े मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 1 सितंबर को विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इसकी विवेचना भी एएसआई प्रकाश राजौरिया कर रहे थे। इस मामले में फरियादी और आरोपी के बीच राजीनामे और चालान पेश करने को लेकर रिश्वत की मांग एएसआई ने की थी, जबकि बताया गया है कि एएसआई राजौरिया को पुलिस अधीक्षक ने गत 12 सितंबर को निलंबित कर दिया था। उसके बावजूद केस डायरी एएसआई के पास कैसे आ गई? इस मामले को लेकर रिश्वत की मांग करने पर फरियादी ने शिकायत लोकायुक्त टीम उज्जैन को की थी, जिस पर बुधवार रात को लोकायुक्त टीम ने माता टेकरी के पीछे धूनी मार्ग पर रिश्वत लेते हुए एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूरे मामले में थाने के सामने चाय की दुकान संचालित करने वाले ओम प्रकाश वर्मा को भी आरोपी बनाया जाएगा। 30-8 को हमारी लड़की को हम उठा के ले आए तो गुम हो गई थी, तो सामने वाली पार्टी ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी, क्योंकि क्या है कि हम लोग ले आए तो उनको मार उठा के, तो फिर वो लोग पूछ रहे थे कि भैया कहाँ गई हमारी छोरी, कहाँ गई, क्या नहीं गई, तो सामने वाले ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। मतलब हमारी लड़की गई और हमारे ऊपर ये एफआईआर दर्ज कर रहे, मतलब फरियादी को ही अपराधी बना रहे ये सामने वाले, तो इसलिए मैंने लोकायुक्त में कंप्लेन करी। क्या कंप्लेन की थी आपने, क्या कहना था आपका? कि सर ये कि सामने वाला ने हमारे खिलाफ कंप्लेन कर दी है और चालान पेश करने के लिए हमसे कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं, कौन कर नहीं रहे हैं। जो ऐसा ही जिसके हाथ में जो केस था। क्या नाम है उनका? प्रकाश राजौरिया। क्या कहना था उनका? निलंबित है। क्या क्या कहना, क्या कहना था उनका, क्या बातचीत हो रही थी? जो एफआईआर हुई थी वो 1 तारीख की थी, 1 तारीख से लगा था, आज 28 तारीख हो गई है, 28-20 में हमें बुला लिया था, हमारा आधार कार्ड वगैरह सब ले लिया था कि परसों आ जाना, चालान पेश करेंगे कोर्ट में। हम लोग आके खड़े हो गए और सर को फोन लगाया, सर कहाँ है, तो वो आए ही नहीं अभी। आपकी लड़की का देवास में चोरी हुई थी? हाँ। आज क्या कार्रवाई हुई, आपने क्या देखा, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? इनने मेरे को बुलाया था कि तू आ जा, चल वो साहब के साइन वाइन करवा देते हैं, तेरा चालान वाला जो है पेश करवा देंगे। मेरे घर भी जाना है, कहीं यही आ जाना देवास में, मैं तेरे को फोन कर दूंगा, जहाँ बुलाऊंगा आ जाना। ठीक है सर, मैं थाने आ जाता हूँ। तो फिर मैं आ गया, दिन भर से यही था मेरे ससुराल में, तो फिर इनका फोन आया 8 बजे कि मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, तो मैं इंतजार करता रहा। तो फिर आ गए तो यहाँ उज्जैन पेट्रोल पंप के यहाँ उनने बुलाया, तो चल ठीक है आ जाता हूँ। यहाँ से उसको मेरे को बिठा के वो आगे ले गए। कहाँ ले गए? और माता जी टेंकरी के पीछे। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे उन्होंने पूछा कि वो साहब की साइन वाइन ये वो। कितने पैसों की मांग करी थी? फिर उन्होंने बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे जो तेरी इतनी मदद करी है ये वो सब करके, के जो भी तेरे को करना है वो कर दे। अच्छा, पैसे के लेन-देन की कोई फोन पे बात हुई थी आपकी पहले? हाँ, बोला था उन्होंने। उसकी रिकॉर्डिंग किस नहीं किस, किस, हाँ। किस क्या कहना पड़ रहा था, किसकी साइन बाकी रह गई, किनको चाहिए पैसे? कोई साहब के साइन, ये नाम नहीं बताया उन्होंने कि साहब के साइन होना बाकी है। अच्छा, इसके पहले पहले कब बात हुई थी आपकी? क्योंकि वो तो यहाँ थाने पे पदस्थ ही नहीं है। मोबाइल पे बात हुई। कब हुई थी आखिरी बार? कब हुई थी? आज के पहले संडे के थी। क्या बोले थे वो? कि मैं सोमवार मंगलवार को करा दूँ, सोमवार मंगलवार को। आपने किसी जानकारी ली थी कि वो थाने पे है ही नहीं, उसके बाद भी आप शिकायत करी क्या? मैं आया था देखने, मेरा ससुराल आया था, यहाँ थाने पे सर से मिली नहीं मिले सर। उसके बाद तो फिर सर, आज आपने जो लोकायुक्त के साथ आया, कितने रुपए दिए और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? 5,000 रुपए दिए। फिर क्या हुआ? कि वो साहब की साइन करवा देता हूँ मैं, तो तू देख लेना, आ जाना सुबह। आपके रुपए देने के दौरान ही पकड़ा, क्या कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, उसके बाद। अच्छा, फिर कहाँ लाए हैं? फिर यहीं सिविल लाइन थाने में लेके आ गए। एक आवेदक आए थे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वकर्मा साहब के पास, अनिल फुलेरिया नाम के, जो भड़थरी नगर उज्जैन में रहते हैं। इनका कोई प्रजापति जी हैं, उनसे विवाद हुआ था 1 सितंबर को, तो उसी दिन यहाँ थाना सिविल लाइन्स पे एफआईआर कायम हुई थी इनके खिलाफ, जो हमारे इसमें आवेदक हैं अनिल फुलेरिया, इनके और इनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो उस मामले की विवेचना एएसआई
दिन पे थी, जो आपके अभी हमने उनको रंगे हाथ पकड़ा है। आपका प्रकाश राजौरिया जी पे थे, उन्होंने इसमें रिश्वत की मांग की थी 5,000 रुपये कि हम चालान पेश कर देंगे, और आपने जो राजीनामा किया है उस राजीनामे को हम कोर्ट में पेश करके आपका मामला खत्म करा दें। तो इस बात पे उन्होंने 5,000 रुपये की डिमांड की थी। आज क्या कुछ कार्रवाई की गई, कब की गई सर ये कार्रवाई, कहां की गई? आज हम आए थे तो सुबह जब हम लोग यहाँ आ गई थी टीम पूरी, तो सुबह से हम लोग यहीं थे, तो जब इनसे बात की गई हमारे आवेदक अनिल फुलेरिया द्वारा प्रकाश राजौरिया जी से, तो इन्होंने शाम का वक्त दिया कि शाम को 6-8 बजे मैं फ़ोन लगाता हूँ। फिर जब इन्होंने फ़ोन लगाया तो शाम को जो कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे पे पेट्रोल पंप है, वहाँ बुलाया। फिर वहाँ से वो इनको साथ साथ लेकर और घूमते हुए जो देवी जी माता का मंदिर है पीछे है, जो धूनी गेट है पुलिस लाइन की तरफ, धूनी गेट की पार्किंग के वहाँ पे ले गए थे, और वहाँ जाके इन्होंने पैसे लिए। हम लोग भी इनका पीछा कर रहे थे छुपते हुए, और वहीं पर जैसे ही इन्होंने पैसे लिए, 5,000 रुपये लिए इन्होंने रिश्वत के, तो हमने इनको रंगे हाथ वहीं पे पकड़ लिया। सर वहां से कहां ले गए और क्या कुछ कार्रवाई की? राजौरिया जी जो अभी का वर्तमान में कहां पदस्थ है? अभी थाने पे आगे हमें पता चला है कि ये निलंबित है और पुलिस लाइन इनको भेजा गया, किसी और मामले में निलंबित हो गए हैं, ये थाने पे आके हमको पता चला है। किस थाने में कार्रवाई चल रही है? ये सिविल लाइन थाना देवास पे कार्रवाई चल रही है। कितने दिन से ये निलंबित कब हुए, किस मामले में हुए? यहाँ वो ही बता रहे हैं कि 12 सितंबर को ही कोई और आवेदन जांच वगैरह किसी मामले में निलंबित हुए 12 सितंबर। कार्रवाई कहाँ की जा रही है सर अभी वर्तमान में? बताया ना आपको, सिविल लाइन थाने पर। सर ये जब निलंबित थे तो फिर जो फरियादी है उनका चालान पेश करना है। किस थाने के प्रकरण में रिश्वत की मांग की जा रही थी सर? थाना सिविल लाइन्स का प्रकरण है, थाना सिविल लाइन्स पे ही ये पहले तैनात थे, ये विवेचक थे, लेकिन ये इन्होंने फरियादी को नहीं बताया कि मैं निलंबित हो गया हूँ, और उसी प्रकरण के नाम से ये रिश्वत मांग रहे थे और बोल रहे थे मैं सब करा दूंगा आपका समझौता। अब फरियादी जो सिविलियन लोग रहते हैं उनको इतनी जानकारी, उज्जैन वाला है तो उसको इतनी जानकारी नहीं रहती है कि आदमी थाने पे पदस्थ है, किसी निलंबित हो गया है कि नहीं है, तो ऐसा। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।